वेलकम टू माय चैनल हैदराबादी फूड स्टोरीज। आज अपन आए लिटिल इटली, जो कि हाईटेक सिटी में है। इसका लोकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी, एक बार चेक कर लो। और इनका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी, वो भी एक बार चेक कर लो। कई को बोले तो उसमें ही अपने को नए अपडेट्स और ऑफर्स उसमें ही मालूम हो जाते। इन लोग 30 साल से बिजनेस में है और ये इंडिया का सबसे फेमस इटालियन रेस्टोरेंट है। ये 1989 में मिस्टर राज मेहता स्टार्ट करे एक वेजिटेरियन इटालियन फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस देने के लिए। जब से लेके आज तक इनके 50 प्लस आउटलेट्स है 20 सिटीज और 4 कंट्रीज में। इधर ऑथेंटिक इटालियन फूड रहता, जो कि ग्रेट इटालियन शेफ्स के सीक्रेट फैमिली रेसिपीज है। इन लोगों का भी एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है भाई। ये पहले 1989 में ला पिज्जेरिया बोल के स्टार्ट करे पुणे में, उसके बाद 1995 में मुंबई में ओपन करे लिटिल इटली बोल के, जरा अच्छा सेट हो गया बोल के 1996 में अपनी खुद की चीज फैक्ट्री डाल लिए। हल्लू हल्लू 2007 में फ्रेंचाइजिंग फॉर्मेट स्टार्ट करके बिजनेस को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिए भाई। 2015 में बैंकॉक में एक आउटलेट स्टार्ट करे, ये साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट आउटलेट है। 2018 में AKSS बोल के एक ब्रांड स्टार्ट करे, जिसमें मॉडर्न इंडियन कैजुअल डाइनिंग है और ये 4 सिटीज में है। ऐसे ही चिल्लों के बहुत सारे कैफेज, क्लाउड किचन्स, ग्रोसरी ब्रांड्स भी है। UAE, UK और US में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं इन लोग। इसका कोई फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे तो वो भी अवेलेबल है। इनका वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी, एक बार चेक कर लो। और ये देखते देखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे वाले सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करे वालों को एक बड़ा थैंक यू। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और आप लोग भी चाह रहे कि मैं दूसरे प्लेसेस रिव्यू करूं बोले तो कमेंट में डालो, मैं आपके कमेंट को 110% रिप्लाई करती। फाइन डाइनिंग के साथ साथ इन लोग केटरिंग सर्विस भी देते। कम से कम 30 से लेके 300 लोगों की पार्टी ऑर्गेनाइज करना इनके बाएं हाथ का खेल है भाई। पार्टीज जैसे कि बर्थडेज हो गए, एनिवर्सरीज हो गए, ऑफिस पार्टीज और ऐसे छोटे मोटे दावतें रहे तो मस्त सेट करके दे देते। मेन्यूज का भी इन लोगों के पास में लिस्ट है भाई, जैसे कि किड्स मेन्यू हो गया, इंडियन मेन्यू, पैन एशियन मेन्यू, मंगोलियन मेन्यू, हाइटी चाट और साउथ इंडियन मेन्यू तक सब है इन लोगों के पास में। इधर मॉकटेल्स भी बहुत जबरदस्त है भाई, ऑरेंज एंड बेसिल मोहितो, और सबसे अलग बोले तो चारकोल लेमनेड है, जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल, लाइम जूस, शुगर और सोडा से बनाए। और यह है क्लासिक वुड बर्न पिज्जा, इसका नाम है सिसिलिया और इसका हाईलाइट इंग्रेडिएंट है मशरूम और फ्रेश बेसिल। अब तक अपन लोग दुनिया के पिज्जा खाए होंगे, लेकिन ये इटालियन स्टाइल में पिज्जा खाने का मजा ही अलग है भाई। और यह है चिली ऑयल, ऑलिव ऑयल में चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और रोजमेरी डाल के बनाए। ये पिज्जा के ऊपर डाल लेके खाए तो एकदम मौत हो जाता भाई पिज्जा। मैं पर्सनली रिकमेंड कर रही, ये ट्राई करना नको भूलो। ये है लजानिया, ऊपर से देखे तो इस दिख रहा कितना चीजी है बोल के, इसके अंदर पूरे लेयर्स रहते भाई पास्ता और वेजीज के। ये भी एक ऑथेंटिक इटालियन डिश है। वो ऊपर टमाटे को फूल के जैसा सजा के इसकी रौनक और बढ़ा दिए। इटालियन क्विजिन का मस्त ट्राई है भाई, खाए तो छोड़ना नहीं। फुल चीजी चीजी क्रीमी क्रीमी सॉस के साथ में। इनो मेरा भाई है, इनो भी बहुत बड़ा फूडी है, इसको पसंद आ गया बोले तो सब सही है भाई। ये है पेने पास्ता विद रेड सॉस, घर का चीज है बोल के दिल भर डाल रहे भाई। फुल चीजी है ये भी, स्पाइस लेवल बोल दिए तो वो हिसाब से बना के देते। कई को बोल तो अपने हैदराबादियों को मुंह भर मिर्ची नहीं रहे तो हल्लक से नहीं उतरता। ये जो सर्व कर रहे इनका नाम है सबुज सितकर, बहुत अच्छा सर्विस था भाई इनका। इनको और इनकी हॉस्पिटैलिटी को एक बहुत बड़ा थैंक यू। पूरे डिशेस इनो ही सजेस्ट करे और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिए। ऐसा निकालते रहे तो फुल चीजी चीजी है भाई। ये इतना अच्छा दिखा कि हम लोग पैक करा के घर को लेके चले गए। इधर का एम्बियंस भी चीख मार है भाई, ऐसा बड़े स्क्रीन पे क्रिकेट देखते हुए चिल हुए तो वो मजा ही चलग रहता भाई। अभी डेजर्ट की बारी है, ये है चॉकलेट बॉम्ब। चोको लावा केक को वनीला आइसक्रीम के साथ में सर्व करे, ऐसा अंदर से लावा निकले जैसा चॉकलेट निकलते रहे तो आइसक्रीम लगा के खाए तो एक अलग ही ट्रांस में चले आते भाई। मेरा भाई डेंटिस्ट है, इसका एक ही सजेशन रहता, डेजर्ट्स खाए बाद में पानी कंपलसरी पीना भाई। और ये है अपना फाइनल डेजर्ट सिजलिंग ब्राउनी।
नीचे गरम प्लेट पे ब्राउनी रख के उसके ऊपर एक वनीला का स्कूप रख के और अच्छा ड्राई फ्रूट से उसको गार्निश करके और ये अलादीन के चिराग के जैसा उसमें से लिक्विड चॉकलेट डाले तो सही में जिन आए जैसा धुआं निकलती भाई। अच्छा धुआं डाले बाद में अपनी विश भी पूरी होती, एक टेस्टी डिश रहता अपने को खाने को। और सबसे अच्छी बात क्या है बोले तो, बहुत जगह ये लिक्विड चॉकलेट ज्यादा गर्म प्लेट रहे तो जल के नीचे से चिपक जाता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ, टेस्ट जर्रा भी खराब नहीं हुआ और बहुत जबरदस्त था भाई, मौत है ये। इधर वीकेंड्स पे बुफे रहता और वीकडेज पे नॉर्मल डाइनिंग रहता। इटालियन फूड ट्राई करना चाह रहे तो ये प्लेस को नक्को बोलो। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।